इस धर्म से ही निपट होगी, चाहे हमारा मकान बिके चाहे कुछ भी बिके, मन इस हिंदू धर्म में रहना ही नहीं है। हाँ, एनबी न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ। अच्छा, जारोल में घटना घटी दलित समाज के साथ में जी, इस आदमी को क्या फांसी और मौत होगी क्या सर? अब फांसी और मौत या किसी का होगा, और उससे उससे क्या समाधान निकलेगा? तो सर हमारी जाति को ऐसे टीचर ने ये दलित बच्चे की बेरहमी से हत्या की है। नहीं, जो बाबा साहब ने मार्ग दिखाया वो समाज ने समझा नहीं, और जब बाबा साहब का मार्ग दिखाया हुआ समझेगा नहीं तो ऐसे ही फिर उसको अत्याचार सहन करना पड़ेगा। तो सर मैं बुधाराम मेघवाल बोल रहा हूँ जी। गाँव मेरा फिरोजपुर, तहसील मेरी जायल, जिला मेरा नागौर, राजस्थान। हाँ, तो अभी देखिए, एक दिन दो चार दिन पहले की बात है, रक्षाबंधन त्यौहार गया है, और सारे मेघवाल जानते हैं कि रक्षाबंधन त्यौहार जो हिंदुओं का त्यौहार है, ब्राह्मणों का त्यौहार है, और जो अत्याचार करने वाले जो हिंदू ही हैं जी, और जब तक बाबा साहेब ने जब हिंदू धर्म छोड़ दिया तो आप लोग क्यों फंसे पड़े हो? तो आप सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी मदद करोगे तो मैं हिंदू धर्म से ही ये जालौर की घटना से मेरा दिल है जिसका बिल्कुल जल चुका है, हिंदू धर्म को ही छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपकी मैं आपको मेरी मदद करनी होगी सर। हाँ बताइए क्या करना है। हाँ सर बताइए क्या मदद करनी है, हम तो तैयार हैं मदद करने के लिए। मैं ये मेरा मकान, ये मेरे गहना है सना, ये भी मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मेरे इसको सपोर्ट चाहिए सर। हाँ बताइए क्या सपोर्ट चाहिए। ये सपोर्ट ये चाहिए सर कि ये जाति ये धर्म है ना हिंदू, हमको गुलाम बना, सभी को देश को पूरे को गुलाम बना के रख दिया है, ये जालौर की घटना ने हम सबको एकदम संसार कर दिया सर, इस वजह से मैं हिंदू धर्म को ही त्याग करने के लिए तैयार हूँ। आप तो करने के लिए तैयार हैं, बाकी समाज भी तो करना चाहिए ना, उनको सबको समझ में आना चाहिए। देखो सर ये है कि पूरे समाज एक से ही गिनती शुरू होती है, एक से ही 100,000,00,000 एक से ही बनते हैं सर। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मेरा नाम बुद्धा राम है, गांव मेरा फूलपुरा है, तहसील मेरी जायल है, जिला मेरा नागौर है, राजस्थान। अच्छा, नागौर से बोल रहे हैं जी सर। अच्छा, नागौर मेरा जिला है, जायल में तहसील है जी। तो बताइए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, तो हम वो करें फिर। आपका सपोर्ट चाहिए मेरे को। आप बताइए ना किस तरह का सपोर्ट चाहिए। ये मेरे आप मेरे घर पे आओगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये बुधरा मेघवाल का घर कैसा है, किस स्त्री में जी रहा है। तो हमारे समाज के जो हालात हैं, आर्थिक हालात जो हैं, वो तो बहुत खराब हैं। जी सर। वो तो हमें पता है। हाँ जी सर। लेकिन उन खराब हालातों में भी जो है हमारा समाज देवी देवताओं पर, तीज त्योहारों पर बहुत पैसा बर्बाद करता है। मैं बिल्कुल ही ये जी अपना संविधान ये मोदी जी ने तोड़ने की कोशिश की ना सर, जिस दिन से हमारे मैं इस सभी देवी देवताओं को बिल्कुल अपने इसकी जगह भेज दिया सर, कि हमारे को जीने, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, तीजी फेल हूँ, लेकिन हमारे संविधान तोड़ने के चक्कर में ये अभी रैली हुई कि दिल्ली की मां दलित छुआछूत मिटाने की खातिर ये दिल्ली पहुंचे, उसको दिल्ली में आगे संसद में जाने नहीं दिया, और ये जालौर की घटना हो गई, और मैं सर खुद भी 10-12 साल है जो कि होटल कर चुका हूँ, और मैं छोटा मोटा खुद भी दुकानदार हूँ, लेकिन मेरी दुकान चली नहीं छुआछूत के वजह से। आज भी मैं चाय कचौरी मिर्ची वड़ा लाडू चिकन खुरमा जलेबी बना सकता हूँ, लेकिन हम यहाँ घाले तो हमारे से कोई एरिया में चलने वाले नहीं है सर। हाँ, तो अब देखिए ना, पूरे अगर मेघवाल समाज ने एक बार अगर डिसीजन ले ले ना, आधा समाज का डिसीजन ले ले कि हम लोग जो है हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, तो ये अपने आप सुधर जाएंगे। ये फिर किस पर अत्याचार करेंगे?
अभी समाज तो सर समाज तो लंबा चौड़ा है ना, हाँ समाज तो लंबा चौड़ा है। एक आदमी को आपकी खुद की निजी भावना से कि भाई हम इस भावना से कि हिंदू धर्म से ही मुझे नफरत है, तो कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, उनसे क्या अपना अपना क्या मतलब है। नहीं, नफरत करने की किसी से जरूरत नहीं है, बस ये है कि हमें सही बात का पता चल गया, अब हम सही बात पर चलना शुरू करते हैं। नफरत करने से क्या मिलेगा? जी सर, हाँ जी सर, नफरत करने से तो अपने दिल को जलाना हो जाएगा ना। बिल्कुल सर, हाँ, अपने दिल को और अपने मन को अशांत नहीं करना, अपने दिल को जलाना नहीं है और मन को अशांत नहीं करना, मन को बिल्कुल शांत रखते हुए जो है और सही दिशा में कदम उठा के अपना काम करना है, बेहतर हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। तो बताइए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, ये बताइए पहले तो, क्योंकि हम लोग जो है नागौर भी आए हैं, नागौर में मेरा भाषण हुआ था, जी सर, और आपके डूंगरगढ़ भी आए हैं, और मतलब कई जगह गए नागौर हैं का राजस्थान मात्र में सर तो। 65 किलोमीटर है मेरा जिला, हाँ जी, मेरा जिला 65 किलोमीटर है, ये डीडवाना है ना, हाँ डीडवाना भी गया हूँ मैं। अच्छा तहसील जाय लगती है उसके। अच्छा तो हम ऐसे बताइए ही क्या हिंदू करना है, थे हमें हमें क्या करना है ये बताइए। सर, करना क्या, आपको सपोर्ट चाहिए जो मेरे वो मुझे इस धर्म से ही नफरत हो गई, चाहे मेरा मकान बिके चाहे कुछ भी बिके, मन इस हिंदू धर्म में रहना ही नहीं है सर। देखिए मेरी बात सुनिए, आपके वहाँ के जो संगठन है, जो लोग संगठन चला रहे हैं वहाँ के जो है, उनसे आप बातचीत करो इस बारे में जो है, ठीक है, आपस में मिलजुल कर कुछ समाधान निकालो उस चीज़ का। संगठन सर किसका है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं तो ये आपके चैनल और टीवी मोबाइल ये देखा ना मैंने, जब मेरे को पता चला कि भाई ये बात है, सच्चाई ये है, ये अफवाह पहले है जो कि सब अफवाह है, हमारा संगठन किस जगह है वो मेरे को सर मालूम नहीं है। आपके यहाँ पर जो है भीम आर्मी संगठन भी है, भीम सेना भी है, और BSP संगठन भी है, आप उन लोगों से अगर बातचीत करेंगे तो आपकी समस्या का कुछ ना कुछ हल मिल जाएगा। तो सर आप उनसे कह दीजिए ना कि सर ये बुद्धाराम आपसे कुछ बात करने के लिए तैयार है। अब मैं वहाँ आपके वहाँ के जो लोग हैं उनको थोड़ा जानता हूँ मैं, पर आप अपने यहाँ पता करोगे भाई यहाँ पर जो है भीम सेना का कौन है, तो आपको मिल जाएगा भीम सेना, भीम आर्मी। जी सर, हाँ, और उनका भी चलता है, क्या नाम है, जो वामसेव वाले हैं वो भी हैं, बहुत सारे संगठन हैं। ये बात है सर, चलो ठीक है, आप जो एक काम करो, अपने वहाँ पे जो है ना ढूंढो किसी को जो है, और मैं भी देखता हूँ, अगर कोई मेरे को मिलेगा वहाँ का कोई आदमी जो है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद है, ओके, जी सर। जय भीम।